तो आज की हमारी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जी हाँ, और मोहित जी हमारे साथ है। अच्छा मोहित जी, आपके नाम ट्रू कॉलर पे डॉक्टर मोहित सुखेजा आता है, तो आप डॉक्टरेट है? नहीं सर, मैं प्रोफेशन से मरीजों वाला डॉक्टर हूँ। तो ओके, चलिए MBBS है ना। नहीं सर, मैं डेंटल में हूँ, डेंटिस्ट हूँ। ओके, चलिए कोई बात हाँ नहीं, मतलब डेंटल। मैं डेंटिस्ट्री को वैसे मतलब प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए यूज नहीं करता हूँ, तो पर यह है कि मैं डेंटिस्ट्री का काम अभी भी करता हूँ, पर वो सिर्फ उनके लिए कि घर परिवार के लिए या कोई किसी को जरूरत है, तो बाकी सही। मैं कमाने के लिए कुछ और करता हूँ। मैं इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल मॉडलिंग में, फाइनेंशियल में डॉक्टरेट किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए हमसे बस कंफर्म है, क्योंकि अच्छा, ओके आपकी ओके, ठीक बैकग्राउंड है। पता होती है तो चीजें अच्छा आराम से होती है। हाँ जी सर, तो जैसे मेरा कि हेल्थ हमने केयर का आपके, बैकग्राउंड। हाँ, जैसे कि हमारी और आपसे बातचीत हुई, आप एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला सीखना चाहते हैं अपने रिपोर्ट्स वगैरह और डैशबोर्ड्स वगैरह को बनाने के लिए, और पहले से भी आपको बहुत सारी चीज एक्सेल में आता है, हाँ बहुत जी सारी सर, चीजें। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें आता है, लेकिन फिर भी हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से लेके चलेंगे, हम समझाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ठीक है ऐसा सर, ठीक इसलिए है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं सोच लिया कि आपको ये फलाना फीचर आता है, राइट, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको आता है तो किस लेवल का आता है। तो उससे क्या हुआ कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो हो सकती है कि जो चीजें थी वो चीजें आपको नहीं आती थी और आप उससे वंचित रह जाए। ठीक इसलिए है सर। हम समझेंगे कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है और हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ठीक है बात सर। करते हैं कि ये जो एक्सेल क्या है। एक्सेल जस्ट लाइक ए स्प्रेडशीट, मतलब कि इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक डिजिटल रजिस्टर है। आज से 30-40 साल पहले जब कंप्यूटर का चलन नहीं था तो आप देखते होंगे कि मोस्टली डिपार्टमेंट और मोस्टली लोगों लोगों के पास एक मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे, जहां जो भी लेन देन, जो भी एंट्री होती थी उसी रजिस्टर में एंट्री हुआ करता था। और हम लोग जब कुछ सबमिट करते थे तो हम लोग देखते थे कि रजिस्टर पे बंदा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। रजिस्टर पे चढ़ जाता था तो सोच जाते कि हाँ चलो रजिस्टर पे चढ़ गया। इसी तरह से एक डिजिटल रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर समझिए कि आप एक्सेल ने ले चुका है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं चीज को जान लेते हैं। देखिए, इसमें हम कर सकते हैं हमारा डेटा एंट्री, हम कर सकते हैं डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, चार्टिंग, ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM टाइप का कुछ बना सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट एनीथिंग जो हमारे कंपनी को नीड है वो हम कर सकते हैं। अब चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं कि डेटा के मेनली मैंने चार जो है यूज निकाले हैं। सबसे पहला डेटा स्टोरेज, हम एक्सेल में किसी भी तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल कोई डेटाबेस नहीं है। एक्सेल डेटाबेस नहीं है। नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेल को आप डेटाबेस बनाते हैं तो प्रॉब्लम होने की चांसेस है। किस तरह की प्रॉब्लम? जैसे हम इस पर राइट क्लिक करके, अगर मान लीजिए हम प्रोटेक्ट शीट कहते हैं और यहां पे हम अपना पासवर्ड डाल के कंफर्म करते हैं, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट यहां क्लियरली समझ यहां बता रहा है आप कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड यू कैन नॉट बी रिकवर। तो मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाया, उसमें पासवर्ड लगा दिया, और जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हम तो पासवर्ड भूलते ही है ना सर, हमने कई बार जीमेल के पासवर्ड को रीसेट किया है। तो अब तो एक्सेल डेटाबेस में रीसेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका डेटा गया। हालांकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसको पासवर्ड क्रैक कर देते हैं, लेकिन ट्रस्टेड नहीं है कि आपकी लेंथी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड को ब्रेक कर दे, मतलब कि आप कंफर्म नहीं कि मेरा पासवर्ड टूट जाएगा। तो ठीक हम उसको डेटाबेस नहीं बना सकते, तो किस तरह का डेटा एंट्री करेंगे इसमें? तो इसमें हम एंट्री, सबसे पहला मिसलेनियस डेटा, जैसे मान लीजिए कि आप अकाउंटिंग के लिए अपना शैफ, फीको, टैली जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी
कुछ खर्चों का हिसाब आप एक्सेल पे रखते हैं, जैसे कि प्रति कैश, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे, और आपने 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, 10 रुपए की किसी को ऑफिस की तरफ से चाय पिलाई है, उसका एक एक एंट्री आप टैली में चाहे फीको में थोड़ा डालेंगे आप क्या? लेकिन हाँ 10-20 हजार का खर्चा है महीने का, तो उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग एक्सेल में करते हैं। दूसरी हम एग्जांपल दें, जैसे कि आपके पास मान लीजिए पेरोलिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपना सैलरी वगैरह पेरोलिंग वगैरह सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है अटेंडेंस अटेंडेंस को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। जैसे कई बार ऑफिस के काम से कोई बाहर गया रहता है, तो सबके अटेंडेंस आप सोचेंगे कि एक एक्सेस कार्ड रीडर से या फिर अटेंडेंस थंब इंस्पेक्शन से मैं अटेंडेंस लगा दूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार केसेस में हम ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं या ऑफिस के काम से हम निकल गए और वापस ना आए, और वापस आने में बहुत दूर है तो हम घर निकल गए, या मेरा ऑफिस का काम घर के नजदीक है तो हम ऑफिस जाके फिर वापस आएंगे, उससे अच्छा हम करते चले गए क्या? तो अटेंडेंस जो है ऑटोमेट नहीं की जा सकती, वो भी हम एक्सेल पे ही स्टोर करेंगे, ठीक है? तो ठीक है मिसलेनियस सर। डेटा जो है वो हम रखते हैं पहला एक्सेल पे। दूसरा एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस, हम जैसे छोटे लोग हैं जिनके पास डेटा की काउंट बहुत कम है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है या फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग पूरी की पूरी काम जो है एक्सेल पे करते हैं। अब दूसरा आता है कि फिर कॉर्पोरेट्स में क्या होती है, तो कॉर्पोरेट्स में हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, हम एनालिटिक्स डेटा स्टोर करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको उसका डेटा कहीं होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ये रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है सर, अब ये हाँ जी रिपोर्ट सर। ऑटोमेट है, जैसे मैं यहाँ पे SBI क्लिक करता हूँ तो पूरा SBI का डेटा आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे ABC सिलेक्ट करूँ तो ABC का आ जाएगा, तो जो भी कंट्री सिलेक्ट करता हूँ उसका डेटा पूरा यहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे डेटा टेबल से लिंक है, और ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं बेस की एक डेटा मेरे सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम जैसे मुझे अगर मान लीजिए जनवरी का या Q1 का या फिर साल का या मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है, तो उस पीरियड का डेटा वहां से हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके हम एक्सेल पर रखते हैं, फिर रिपोर्ट बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें डेटा रखने की जरूरत ना हो? देखिए, डेटा रखने की जरूरत कब नहीं होगी, जब आपका एक सिंगल डैशबोर्ड होगा। मान लीजिए कि एक फिक्स है कि जनवरी का रिपोर्ट बनाना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई KPI नहीं है। KPI समझते हैं क्या होता है सर? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे कि यहाँ हमने ABC सिलेक्ट किया, तो हम कस्टमर हमारे नेम क्या होगा, की होगा, तो कस्टमर अकॉर्डिंग हमने परफॉर्मेंस को देखा। तो ना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जब KPI होगा, जो कि डायनेमिक रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, कि आप कुछ भी चेंज करें रिपोर्ट उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, डेटा जब अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली मेरा आपका रिपोर्ट अपडेट हो जाता है, मतलब कि आपने एक डायनेमिक रिपोर्ट बना दिया, नेक्स्ट टाइम से आपको जरूरत नहीं। जैसे कि सेम ना, कि आप सुबह सुबह अब सुबह का टाइम है, सुबह सुबह आप मोटर चलाते हैं टंकी भरने के लिए, तो आपको क्या होता है कि वो मैनुअल हो गया है कि जब तक टंकी भरे देखने जाता है कि पानी तो नहीं गिर रहा है, पानी गिरेगा तो जाके मोटर को ऑफ कर, तो ये हो गई आपकी मैनुअल रिपोर्ट, ठीक है? इसमें आपकी मौजूदगी अनिवार्य है। दूसरा यहाँ पे आता है कि आपने ऑटोमेट कर दिया कि आपने टंकी में एक ऐसा गैजेट सेट कर दिया कि उस एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जैसे पानी जाता है मोटर ऑटोमेटिक चल जाता है, और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ऑटोमेटिकली आपका मोटर बंद हो जाता है। तो इसमें आपकी मौजूदगी नहीं हुई, फुल्ली डायनेमिक हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। तो ऐसे ही रिपोर्ट से कि आपने एक बार हुआ कि आपने रिपोर्ट बनाया, तो जब भी आपके पास डेटा आएगा तब भी आप रिपोर्ट को दोबारा से बनाएंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरा होता है कि आपने फुल्ली डायनेमिक कर दिया कि आप डेटा अंदर डालते जाइए और रिपोर्ट उसको कैसे
सॉरी सर, कंसीडर करते चला जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो डेटा डेटाबेस की लिंकिंग चाहिए होगी ना सर, बिल्कुल सर। और डेटा को लिंक करने के लिए हमें एक्सेल पे रखना होगा। तो ये चीज हम ज्यादातर करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में आते हैं, तो दूसरा होता है कैलकुलेशन। एक्सेल का यूज हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। ऐसा इसलिए कि पहला कि आप फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत सारे इनबिल्ट फॉर्मूला है जिसका जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके ठीक है सर। अलावा आप यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पूरा उठा के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर लगा के अपनी मैथमेटिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी कैलकुलेशन निकालनी है, कुछ ऐसा परसेंटेज निकालना है जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, बट आप उसको नोट पैड पे मैथमेटिक के जरिए निकाल लेते हैं, ठीक है सर। उसके लिए एक्सेल बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप पावर बीआई की बात करें, आप टैबलू की बात करें, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन फील्ड टू फील्ड होती है। मतलब एक आपकी कॉलम ए से कॉलम बी को कैलकुलेट करेगा, कॉलम ए से कॉलम बी को कैलकुलेट करेगा, राइट सर। लेकिन एक्सेल में हम सेल टू सेल, क्योंकि हर एक सेल का एड्रेस होता है, बी टू मतलब बी नंबर कॉलन एंड टू नंबर, तो हम कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके पास सेल्स है, आपके बॉस ने बोला कि एक काम करो, मुझे पूरे साल का मंथ वाइज सेल्स और सेल्स का शेयर दे दो, किस महीने कौन सा महीना कितना परसेंट शेयर कंज्यूम किया है, सेल्स कंज्यूम किया है। अब ये चीज कर एनालाइज करनी है। अब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं, आप सबसे पहले चीज जरूरी समझिए, जब भी आप अगर कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम लोग जनरली क्या होता है, दो चीजें होती है। तो एक होती है जैसे कि आप पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, हम उस पर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिए, सही करते हैं। दूसरा, अगर खुद से बनाना हो तो बॉस ने जैसा बोला उस तरीके से हमने कर लिया, लेकिन ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले जानिए जो रिपोर्ट बन रही है उसकी जरूरत क्या है, बॉस को इस रिपोर्ट से क्या फायदा होगा, बॉस को इस रिपोर्ट से क्या फायदा होगा, या कंपनी को क्या फायदा होगा कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी अगर जान जाती है तो क्या फायदा होगा, इसको पहले जानिए, उसके हिसाब से इसको यूज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए बॉस ने बोला कि रीजन वाइज सेल्स शेयर दे दो, कि कौन सा रीजन कितना परसेंट सेल्स शेयर कर रहा है। मान लीजिए नॉर्थ 20% है, ईस्ट आपका 40% है, इस तरह से है, तो ये इन्फॉर्मेशन से क्या फायदा होगा। जैसे कि कोरोना के पैंडेमिक के समय प्रोडक्शन का इफेक्ट था और सामानों की किल्लत थी ना सर, तो अब उनका मार्केट पूरा ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर सारे जोन्स में देखना था, तो मान लीजिए कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना, मान लीजिए क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड है, 100 मान लीजिए 100 पीस की प्रोडक्शन हुआ, अब 100 पीस को एक ही रीजन में भेज देंगे तो दिक्कत क्या होगा, बाकी रीजन्स उस सामान नहीं मिल पाएगा। और जाहिर सी बात है, जैसे ही आप मार्केट में आपकी यूटिलाइजेशन घटी, आपका आपका जगह कोई और कॉम्पिटिटर ले लेगा। इसलिए सामान थोड़ा ही लेकिन मार्केट में होना चाहिए आपका, क्या सर, राइट सर। 100 पीस को कैसे भेजे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या 25-25 भेज दे, पता चला कि सेंट्रल में ज्यादा सेल होता है नॉर्थ में कम होता है, तो आपने नॉर्थ में ज्यादा भेज दिया सेंट्रल में कम भेज दिया, तो आप उनके सेल्स शेयर के हिसाब से, जैसे सेल्स का शेयर हुआ हुआ उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का शेयर निकालेंगे
और उस परसेंटेज के हिसाब से भेजेंगे। जैसे 40% अगर साउथ कर रहा है तो हम अपना प्रोडक्शन का 40% जो प्रोडक्ट है वो साउथ में भेज देंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आप निकाला, आपको पता चला तभी निकाले ना सर, राइट सर, राइट। वरना बॉस जैसा बोले वैसा कर दोगे, अपना अपना से इफेक्ट नहीं करोगे। फिर बॉस बोलेगा कि यार इसमें ये चीज भी कर देता था ठीक रहता है, ये एक करके दो, फिर दोबारा काम करोगे, फिर दोबारा भेजोगे, अच्छा ये दोनों ठीक है एक और ऐड कर दे, तो ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पहले ही आपने बॉस की मंशा को समझ लिया और आपने जो जो फीचर्स होने चाहिए थे जिस इस चीज को जानने के लिए आपने पूरा उसके अंदर ऐड कर लिया, तो मे भी आपके बॉस ऐसा बोल सकता है कि ये फालतू खिला देती है, मुझे बस इसकी ही जरूरत थी। लेकिन फिर भी आपने भेज दिया तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजों को समझ रहा है, समझ रहे ना, राइट सर, राइट। ये चीजों समझ को गया सर। समझ समझ रहा है और आपका मतलब आप उनके नजर में आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं परसेंटेज बढ़ जाएगा। राइट सर, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि मेरा एक मानना है कि कभी भी काम और अपने पढ़ाई और काम से मजाक मत कीजिएगा। मतलब पढ़ाई के समय और काम करने के समय आप सीरियस रहिए, और मैं अपने ऑफिस लाइफ में ऐसा ही किया है। मैंने मेरा बॉस मुझे कहता था कि सुजीत तुम्हारा कॉल भी मिस कॉल के बराबर होता है, मतलब कि मुझे जो चीज उनसे बात करनी है मैं वो बात किया और फोन काट दिया, और बॉस ने क्या खाया क्या पिया क्या दिक्कत हुआ रात में कितना देर तक पिया सुबह में कब उठे हेडेक हुआ नहीं हुआ डिस्प्रिन लिया कि नींबू पानी लिया, अब ये सब बात करने की क्या जरूरत है। अनप्रोफेशनल। इससे ये हुआ कि बॉस जो हमेशा समझता है कि ये बंदा सिर्फ काम से काम रखता है, सिर्फ काम से काम रखता है। और दूसरी बात ये रही कि रही अप्रेजल की बात की, भाई बॉस के साथ अच्छा रहेंगे तो बॉस अप्रेजल कर देंगे, तो हम देखते थे कि भाई मंथ एंड में फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करते थे कि मेरा कितना परसेंट ग्रोथ होना चाहिए था कंपनी में और बॉस कंपनी से मुझे कितना परसेंट का ग्रोथ दिया। अगर अच्छा तो ठीक है, अदरवाइज हम एचआर को लेटर लिखते थे कि आपने मेरा इंक्रीमेंट सही ढंग से नहीं किया है, इस कारण से मैं नाखुश हूं और मैं कंपनी को स्विच कर रहा हूं और दूसरा जॉब ढूंढ लेता। इसी करके मैंने तकरीबन 12-13 जॉब ढूंढे, और कभी भी कोई गलत रीजन नहीं दिया कि मैं पर्सनल रीजन से जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, और रिजिग्नेशन लेटर में हमेशा जो फैक्ट था वो फैक्ट डाला। इससे हुआ है कि कई बार बॉस ने मुझे रोक लिया है और मेरे हिसाब से सैलरी मुझे वापस इंक्रीमेंट करके, कई बार ऐसा हुआ, मोस्टली टाइम हुआ कि मैंने अप्रेजल के समय मैंने जॉब, कई बार तो मुझे मेरे हिसाब से मिल गया अप्रेजल तो मैं खुश था, कोई दिक्कत नहीं। कई बार मुझे मेरे हिसाब से अप्रेजल नहीं मिला तो हमने क्या किया, एचआर को लेट मेल, बॉस को मेल डाला, एचआर को लेट रिजिग्नेशन लेटर डाला और रिजिग्नेशन लेटर में पूरा फैक्ट डाल दिया। तो बॉस समझता है कि सामने वाला बंदा काम का है, इसको जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉस को पता है कि चापलूसी अपने जगह पे है, चमचागिरी अपने जगह पे है, खुद करना अपने जगह पे है और काम अपने जगह पे है, समझ गए ना। तो वो बोलते ठीक है मुझे ले ले मैं दिलवा देता हूँ, और अप्रेजल करवा के मैं एग्रीमेंट वो रीइंसिस्ट करवाते थे और मेरे हिसाब से बंद कर। तो इस चीज को बोलते थे कि बॉस काम अगर आपके हिसाब से हम कर रहे हैं तो पैसा भी हमारे हिसाब से होना चाहिए ना। ठीक तो ये चीजें कब होती है, जब आप कंपनी के बारे में खुद से सोचते हो, समझ गए ना। अरे कोई याद रखिए कि कंपनी के बारे में सोचते हो और जो चीजें समझते हो वो बेकार नहीं जाती है। ओके हाँ और जी सर। इसमें डेटा एनालिसिस जब करेंगे तो इस चीज का ध्यान आप रखेंगे, और इसके लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये जो आपने भी डैशबोर्ड दिखाया, इस तरह के डैशबोर्ड हम पावर क्यूरी से या टैबलू से आसानी से बना लेते हैं, राइट, बन जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है मॉडिफिकेशंस, मुझे जिस तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम एक्सेल में ही कर पाएंगे। ओके हाँ थोड़ा सा लेंदी पड़ता है,
लेकिन हम उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, और इसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट पावर बीआई के अंदर में एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा जब उसके पैटर्न से हट के आप काम करते हैं। तो इसलिए इसका ही। अब बात करते हैं सर, कुछ लोग बच्चे हैं कि सर आपने बोला कि प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेल इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, पर प्रेजेंटेशन के लिए तो हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं, जब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो पावर पॉइंट में रिपोर्ट बनाना बेवकूफी होता है, प्रेजेंट करना। रीजन क्या कि डायनेमिक नहीं, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने रिपोर्ट यहाँ पे शो किया, राइट, शो किया, आप पूरा आप देख पा रहे हैं कि मेरा वहां कहा कौन सा सेल्स ज्यादा है, कौन सा सेल्स कम है। जैसे कि प्रोडक्ट हमारा जो यहाँ दिख रहा है आपको, कॉफी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताओ कि यहाँ अब किसी ने बोल दिया ठीक है, ये बताओ कि चाय का प्रोडक्ट कैसा है, कॉफी सबसे हाईएस्ट है, अब चाय बताओ चाय का क्या है, सिर्फ चाय का बताओ सिर्फ। तो जैसे मैंने चाय पे क्लिक किया, आप देखेंगे पूरा रिपोर्ट चाय के अकॉर्डिंग आ गया। तो बेवरेज के अंदर में सेल है, उसके अलावा यहाँ पे कोटेक ले रहा है, ओम सेल कर रहा है, ठीक है ना, टोटल इल्ड इतना है, गोल इतना था, 1% हमने अचीव किया मार्क, और चाय सिर्फ जनवरी में बिकी है, बाकी महीने में नहीं बिकी। ठीक है ना सर, ठीक है बियर बताओ, हमने बियर भी क्लिक किया, तो बियर जो है जनवरी और अप्रैल में बिका है, ठीक है ना। तो हम तुरंत के तुरंत क्या कर रहे हैं, पता चल जा रहा है हमें कि हमारा क्या चल रहा है। लेकिन ये चीजें हम वहां पे नहीं कर पाते ना, पावर इसके लिए अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं ना सर। हाँ वहां फंस जाते हैं। तो आपको जितने जैसे यहाँ पे देखिए जितने रिपोर्ट है उतने अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए मंथ वाइज मान लीजिए कि एक ही पूरे स्लाइड में एक ही में रखते आप, तो अगर 6 महीने का 6 स्लाइड बनाना पड़ता ना, या फिर 6 फाइल बनाना पड़ता आपको। तो यहाँ इजी है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेल सबसे अच्छा हो। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे जिसको एक्सेल को एक्सेल बनाता है, अगर वो ना रहेगा तो एक्सेल की उतनी खास वैल्यू नहीं रहेगी, शेयर डेटा। अब बोलेंगे शेयर डेटा तो सर फाइल किसी को डेटा मेल करनी है, ये चीज है ना, यही तो बात है सर। आपको मान लीजिए कि जियो कंपनी से फोन आया और बोला कि हम आपको लाइफ टाइम फ्री जियो का जियो टू जियो की कॉलिंग दे रहे हैं, आप ले लीजिए, आपको फलाना काम करना है। पहले आप ये देखेंगे ना कि आपके जितने भी मोस्टली कॉन्टैक्ट है जिससे आप बराबर बातचीत करते हैं, फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, उनके पास जियो है या नहीं। अब उनके पास जियो नहीं है तो आपके लिए तो बेकार हो गया ना सर। हाँ जी सर, उसी तरह से एक्सेल आपने अगर मान लीजिए कि पावर बीआई में टैबलो में रिपोर्ट्स बनाई और किसी को आपने भेजा, अब उस रिपोर्ट को उसको देखना है, मॉडिफाई करना है, कुछ चीजें करनी है, तो उसके पास पावर बीआई होना चाहिए, टैबलो होना चाहिए। अब आपके एक रिपोर्ट को देखने के लिए वो पावर बीआई 1 GB की पावर बीआई की डेटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो नहीं करेगा ना सर, या परचेज तो नहीं करेगा ना। समझ रहे हैं सर? समझ रहा हूँ सर। तो फिर बेकार हो गई ना आपकी पावर बीआई। हाँ, कि उसके पास जिसके पास होगा एक्सेल, सबके पास होने का चांस बहुत ज्यादा है। हाँ, एक्सेल का चांस ज्यादा है, एक्सेल पॉपुलर है, मोस्टली सॉफ्टवेयर में होगा। एक्सेल नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपन आरजी, जैसे कि सैम्फनी आईबीएम का वो होगा, वो भी नहीं है तो गूगल सीट पे ओपन करके देख सकता है। समझ गया ना? ठीक सर, समझ गया। सबसे ज्यादा है ये हमारी होती है। अब बात करते हैं कि किस तरह ये जो नया आपका एक्सेल आया है 2021 जो आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर आप जाएंगे तो इसमें क्या क्या नया चीजें पूरा यहाँ आपको दिख जाएगा, आप इसमें यूज कर। जैसे कि आपको इसमें लुकअप का फॉर्मूला और बहुत सारी चीज आती है, लेट लैम्डा से फॉर्मूले नए नए आए हैं और अच्छे फीचर्स हैं। ठीक है, सारे फीचर्स आप देख लीजिएगा यहाँ पर। दूसरा आता है कि किस तरह की रिपोर्ट्स हम बनाएंगे,
तो ये देखिए ये जो दिख रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स हम एक्सेल में बनाते हैं। कई बार सिमिलर बनता है, कई बार कुछ इससे आसपास बनता है, और इसमें से बहुत सारे रिपोर्ट्स हम एक्सेल में आपके साथ क्लास में बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला बारी आती है, हालांकि इसकी जरूरत आपको तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जरूरत पूछते हैं, जॉब ऑफर, कि इसका मार्केट में क्या यूज है। तो ये हमारे कुछ कटआउट्स हैं अक्टूबर महीने की, ठीक अच्छा है ना, समझ रहा हूँ सर। ठीक है सर। तो ठीक जो है। जॉब्स में कहाँ कहाँ किस तरह का आप देख सकते हैं। आप खुद भी Naukri.com, Monster या जो भी जॉब पोर्टल्स हैं उस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या फीस, मतलब कि जॉब्स की क्या क्या ऑप्शंस हैं। और मेरा ये मानना है कि लोग क्या करते हैं कि पहले कोर्स करते हैं फिर जाके मार्केट में जॉब देखते हैं। मैं गलत है, पहले आप जॉब पे सर्च कीजिए कि जो कोर्स आप सीखने वाले हैं वो मौजूदा मार्केट में किस तरह का जॉब दे रहा है और क्या क्या डिमांड कर रहा है। 2000 आपको याद होगा, 2010 और 12 के अंदर में सैप का बहुत चलन था, जहां तहां सैप के ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे थे, 20,000-25,000 रुपया लेता था और सैप सिखाता था, लड़के जा रहे थे। तो सैप के उस समय जॉब भी बहुत थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि मोस्टली लोगों को जॉब, बहुत कम लोगों को जॉब मिलती थी। रीजन क्या पता है सर, कि जो भी सर वैकेंसीज आती थी वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। अच्छा। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ जॉब की जो चीज सीखना चाहते हो उसमें जॉब की बहुत डिमांड है, बट फ्रेशर का कोई जगह नहीं है, तो क्या कीजिए। तो पहले नौकरी कीजिए, जॉब एक्सपीरियंस ठीक है, भी लीजिए और काम तो लेकिन हम सीखिए क्यों ही। उसमें हम क्यों जाएंगे, फिर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जहां फ्रेशर की अपॉर्चुनिटी हो ना। क्या राइट सर क्या कि राइट। सीखने से पहले पहले इंश्योर कर ले कि मुझे एज ए फ्रेशर कहीं जॉब मिल जाएगा, समझ गए ना सर। राइट सर राइट। तो इसलिए इसलिए जो है चीज एक बार इंस्टॉल करना चाहिए। मुझे मतलब बोलते हैं सर एक्सेल में जॉब है नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई अगर किसी हलवाई को बोलोगे कि आपका मिठाई मीठा है या नहीं है तो क्या बोलेगा, कि नहीं, थोड़ा चीनी मैंने कम डाला था, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो गई इसलिए हल्का मीठा है या हल्का बासी है, नहीं बोलेगा। वो तो कहेगा बेहतरीन है ले जाइए। तो हमसे आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही। दूसरी चीज, अब एक चीज और होती है कि एक सक्सेसफुल वकील के पास जाके बोले कि भाई वकालत कैसी चीज है, हम भी कर लें, तो क्या लगेगा। वो बोलेगा ना कि हाँ बहुत अच्छी, देखो मेरा क्या रुतबा है, मैं कहाँ हूँ, मीडिया मुझसे बात क्यों तरसते हैं, किसी बड़े बड़े क्रिमिनल्स बोलते हैं कि भाई मेरा लाइन, मेरा मेरा केस लड़ लो, ये आप लड़ेंगे तो मेरे मुझे जमानत मिल जाएगी, तो मिल जाएगी है। तो वो पॉजिटिव बोला, लेकिन वही एक झोला सा वकील के पास जाके पूछे तो बोलेगा अरे भैया क्यों तुम पढ़ रहे हो इसमें, देखो ना हमारे जिंदगी तो बड़ी कष्ट से गुजर रही है, मुश्किल से तो पेट चला रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, वकालत खराब, समझ गए। हाँ इसका मतलब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नहीं, नथिंग सक्सीड नहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे ताऊ के लड़के ने किया था, हमारा मामा का लड़का करता है, हमारा फलाना साला करता है, हमारा जीजा करता है, वो तो ठीक है। तो आप जरूरी थोड़ी है कि जिस समय उसने किया था उस समय और इस समय में अंतर हो सकता है ना। बहुत ज्यादा। हाँ जी सर होता ही है। अब मान लीजिए कि जो पहले के इंजीनियर्स थे उनका सक्सेस रेट और उनका उनकी जो सब चीजें, और आज के इंजीनियर बढ़ के ना सर, तो वही चीज होती है। इसलिए कभी भी कोई जॉब, कोई भी कोर्स करने से पहले जॉब की अपॉर्चुनिटी सर, अगर जॉब की बिहाफ से सर्च कर रहे हो तो आप एक बार जॉब की अपॉर्चुनिटी देख लें कि क्या है, उसके बाद जो है आप जो है इसके बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है सर। ए फाइल मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप बैठ के जो चीजें मैंने बताई है कर लीजिए, साथ में आपको जो मैंने अभी भेज आर्टिकल दिया है न्यू वाला, उसमें लिंक है, उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट क्लास थी, किसकी, एक्सेल इंट्रोडक्शन थ्योरी। थ्योरिकल क्लास। अब अगली क्लास में हमारा होगा सिलेक्शन मेथड, कि हम बात करेंगे कि किस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, और ठीक है सर, ठीक है, और वो क्लास होगी सर।